यहाँ पे पटना में पुस्तक मेला लगा हुआ है 2022 2 दिसंबर 2013 से गांधी मैदान पटना में, मतलब ये 2 दिसंबर से मेला चल रहा है और 13 दिसंबर तक चलते रहेगा। ये मुख्य द्वार है गेट नंबर 5 का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। गांधी मूर्ति के लाइव राइट साइड क्या है, ये यूथ एम्पावरमेंट का प्रोग्राम रखा गया है गायत्री परिवार की तरफ से। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बढ़िया से पटना पुस्तक मेला 2022 का ये व्यू है। इस तरह का गेट बना हुआ है, सुंदर सजा हुआ है। ये मुख्य द्वार है, दिखाते हैं, चलते हैं अंदर क्या क्या है यहाँ पे। इसके लिए टिकट काउंटर पे टिकट लेना होगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टिकट काउंटर है, टिकट मिल रहा है। बारह, ये जो है स्टूडेंट के लिए खुला हुआ है, स्टूडेंट काउंटर 12:05 PM का है। चल रहे टिकट काउंटर पे हम टिकट लेने, देखते क्या होता। कितने रुपए की टिकट है? 20 रुपया एक का दीजिए तो एक। मैं टिकट ले रहा हूँ, यह 20 रुपये का एक आता है यहाँ पे। इस प्रकार का टिकट है। तो दोस्तों मेरा पूरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ज्ञान वर्धक है। और आपको मैं अंदर का भी व्यू दिखाऊंगा, ये पहले देख रहे हैं आप टिकट किस तरह किस प्रकार दिखता है। तो मैंने उन्हें 100 का नोट दिया था, तो वो मुझे 20 रुपये का टिकट काट के फिर यह वापस किया है 80 रुपये। और ये टिकट इस तरह से, यह देखिए टिकट पे भी लिखा हुआ RS 20 पटना बुक फेयर नंबर 2555-9। चलते बिक्री कैश मेमो करनी होगी। पुस्तक प्रेमी मेला परिसर में यदि आप पुस्तकों का खरीदारी बस मेला परिसर एक टिकट चेक कीजिएगा प्रवेश द्वार पर सुरक्षा प्रबंधों को अपना कैश मेमो। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पे टिकट चेक हुआ, फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। यह है मेला परिसर बुक का, इस तरह का व्यू देखता है। यहाँ पे बैग में अगर बुक है तो आपको अलाउ नहीं करेगा बुक बैग ले जाने के लिए अंदर से अंदर जाने के लिए। तो सभी प्रकाशन का अलग अलग काउंटर लगा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं ओंकार प्रकाशन प्रतियोगिता दर्पण है, फिर इधर राजकमल प्रकाशन समूह है, इस तरह से सामने यहाँ वाणी प्रकाशन समूह है, यहाँ पटना पुस्तक मेला राजगृह प्रशासनिक भवन है, मतलब एक तरह से ग्रीन रूम उसको कहते हैं। यहाँ प्रभात प्रकाशन है, ओशो का भी बुक अवेलेबल है यहाँ पे, ओशो बुक्स। इस तरह का व्यू है यहाँ का, देखिए इस तरह का व्यू है सामने का। और वहाँ ऊपर देखिए एरोप्लेन भी जा रहा है पटना अपने अंतर्राष्ट्रीय सॉरी हवाई अड्डा पे। तो चलते हैं दूसरा काउंटर दिखाते हैं आप लोग। साहित्य तक का एक वक्ता है जो बोल रहे हैं, मैं उसका रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ आप लोग को। तू है बला की खूबसूरत, सबसे हंसी तेरी सूरत, मेरे दिल की आरजू, मेरे नैनों की जुस्तजू और तू एक जैसे, मेरे दिल की आरजू नैनों की जुस्तजू। शुक्रिया, बहुत बहुत देर के बाद मुझे मिला, पर मिला तो सही। मेरे दिल की आरजू, मेरे नैनों की जुस्तजू और मेरे साथ। यहाँ पर अमेरिकन स्ट्रीट कॉर्न भी बनाया गया है, आइसक्रीम भी मिल रहा है, कॉफी भी मिल रहा है, और आपको पानी भी मिल रहा है, आंवला अमृत लीची जूस सारा चीज अवेलेबल है यहाँ पे। कोई ऐसा कारोबार जिसकी लागत ज्यादा हो। भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वर्गीय धनंजय पुरकैत। तू संभाल, मेरे कहने का आशय यह है कि हम लोगों के समाज को, हम सबको बोल गया मन चाहिए स्तर पर भी चिंतन की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी जो हम लोग बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की, लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक उसूलों की, जनता की आवाज की, समाज की आवाज की, उसकी बात कर सकते हैं। आप देखिए
आप ये देख रहे हैं HTIS उसका भी पूरा आपने प्रकाशन है जो दिखा रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन का प्रकाशन और अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड इसका भी अवेलेबल है सारा कुछ यहाँ पे। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं पुस्तक मेला से बाहर क्योंकि वीडियो